बिहार में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रविवार को राजधानी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं राजद से गठबंधन का विरोधी हूं। कांग्रेस का राजद से गठबंधन आत्मघाती है। कांग्रेस ने राजद से गठबंधन कर अक्षम अपराध किया है। उन्होंने कहा कि 1995 में मैं कांग्रेस की सदस्यता ली थी और 29 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन आज जो भी कुछ हो रहा है उसे देखकर मन काफी दुखी और निराश है, और इस कारण से मैंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी समझौता करती रही। राहुल गांधी जब अध्यादेश फारे तो सराहना मिली, आज वे लालू यादव के साथ मटन खा रहे हैं। 1999 के बाद कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से चलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जम्मू से मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए, सड़क पर कहने से लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद का आपसी समझौता है, यह टूटने वाला नहीं है, जो प्रदेश के लिए घातक है। राजद जीता जो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सोनिया गांधी ने सांप्रदायिक नेत्री का परिचय दिया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये तो आपने पहले ही देखा होगा। पप्पू यादव का महिमा मंडन किया गया। कांग्रेस में समझदार लोगों के लिए मुश्किलें हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।